नमस्कार पपला गुजर से पूछताछ में पुलिस ने अब नया खुलासा किया है जयपुर रेंज के आई जी अवसिंह उमरिया ने बताया कि बैरोड थाने में अंदर फायरिंग करने के बाद पपला गुजर ने मथुरा हरिद्वार और ऋषि केस में फरारी काटी थी पूछताछ में पपला ने बताया कि उसने अपनी फरारी के दौरान अलग अलग जगह पाँच महिला मित्र बनाई जिनमें से पुलिस ने तीन महिला मित्रों के बारे में तस्दीक जानकारी प्राप्त कर ली है पूछताछ में पुलिस ने कहा कि पपला बैरोड़ थाने में अंदर फायरिंग के बाद हरियाणा चला गया था हरियाणा के बाद वह वहाँ से मथुरा पहुँचा और कुछ दिन बाद आगरा चला गया और यहाँ एक महिला मित्र घर पर तीन चार मार रुक कर फरारी काटी मथुरा के बाद पपला गुजर फिर कानपुर बनारस हरिद्वार और ऋषिकेश दिल्ली से गुड़गांव पहुंचा यहां से कोल्हापुर पहुंचा जहां पर जिया के साथ रहते हुए पपला को पकड़ा पुलिस ने बताया कि आगरा में एक और कोल्हापुर में दो महिला मित्रों की तस्दीक हो चुकी है जबकि अन्य दो की तस्दीक की जा रही है गौर मतलब है कि पपला गुजर का मुख्य साथी राजवीर सहित साथ अन्य गुर के अभी फरार चल रहे हैं पुलिस सूत्रों ने बताया कि बैरो थाने में फरार हुए मुख्य आरोपी राजवीर के पास अभी और हथियार होने की आशंका है फरारी के दौरान पपला मथुरा हरिद्वार और ऋषिकेश भी पहुँचा था पूछताछ में सामने आई महिला मित्रों के संबंध के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है पपला से अब अजमेर जेल में ही पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और फिर छब्बीस फरवरी को अजमेर जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा देखते हैं अभी एक पुलिस पपला के बारे में और क्या खुलासे करती है तब तक के लिए ऐसी तमाम दुनिया खबर देखने के लिए नमस्ते इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें नमस्ते प्यार के साथ